अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सैदाबाद पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। कुछ लोग उनके पास चोरी होता है और वो चोरी की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है, गाली गलौज की जाती है। क्या पुलिस का ये काम है? और जिस तरह से पुलिस की मुसलसल लापरवाही हो रही है और जिस तरह से पुलिस को चाहिए इनकी हिफाजत करना, इनके परेशानी को दूर करना, बजाय इसके पुलिस इनके सर का दर्द बनती जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर को चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब कंप्लेंट देने के लिए गए थे तो पुलिस की जानिब से, कांस्टेबलों की जानिब से, जिम्मेदारों की जानिब से गाली गलौज की जा रही है और चोरों का सपोर्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि आज हमारे शहर हैदराबाद में जिस तरह से कत्लेआम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है, क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके जिम्मेदार पुलिस है और ऐसे कुछ पुलिस वाले हैं जो क्रिमिनलों को सपोर्ट करते हैं, और यही वजह है कि पुलिस की जानिब से इस तरह से उनको मदद करने की वजह से उनकी हिम्मत और बढ़ती जाती है और इस तरह से क्राइम में इजाफे हो रहे हैं। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सारे तफसीलात बताई। तकी रहमान की ये रिपोर्ट। धंधे से हमारे 5 लाख रुपए भी गए कम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों में कोई हाथ उठा लिया, कोई गाली गलौज करे, मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं। मैं जय सिंह सीपी साहब, मैं घर पे था। घर पे रहने के बाद में बच्चे बोलने लगे कि साहब भूख पे आए तो गाली गलौज कर रहे, बोले तो मैं निकल कर आया। आने के बाद में मैं जा रहा हूँ तो उन्हें बच्चे बोल रहे बुल्ला पकड़ा था, बोलाना भाई पकड़ा था, तैर तैर वो तो झेबी आया। मैं आने के बाद में पाचा खतरी साहब से मैं फोन करवाया, फिर अपने क्या नाम है साहब, अरफाज साहब से फोन कराने के बाद में सीआई साहब बोल रहे कि भाई तुम्हारा जो भी है फाइनल मैं कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो बोल के मेरे को समझा रहे, माफी चाहते और मैं उनसे माफी चाहने लगा। तो बोला मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम एक नहीं चार केस हुए मेरे बच्चों के ऊपर यहाँ पे। मैं एक जिम्मेदार इंसान, मैं ये सिंगरानी कॉलोनी पारजी लोगों का प्रेजेंट, मैं कई लोगों को यहाँ से चुरा लेके जाता हूँ। आज मेरे बच्चों के ऊपर इनसे पहले भी क्या की तो चोर बोल के मारे मेरे बच्चों को, उनके बाद में एक ऐसा ही एक कॉन्स्टेबल मेरे बच्चे को मारा। जब भी कंप्लेन करा मैं, जब भी मेरे को कॉम्प्रोमाइज में ला लिया, आज भी कॉम्प्रोमाइज में लाओ बोलो तो मैं एक इज्जतदार इंसान की बच्चों को मार के कॉम्प्रोमाइज करो वो तो कैसा होता। ऐसा धंधे से हमारे 5 लाख रुपए भी गए कम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों में कोई हाथ उठा लिया, कोई गाली गलौज करे, मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं। मैं जय सिंह सीपी साहब, भाई हमारा सैदाबाद पीएस को आए थे, तो सैदाबाद पीएस को मैं आज इनके संगात आया। मैं ऑलरेडी 20 को 18 को मैं कंप्लेंट दिया था, जब देने के बाद मेरा डीजे का एक स्पीकर और करंट का बोर्ड था। देने के बाद उन्होंने बोले इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं बोल के बोले। आज को 10 से 15 दिन हो गए, इंक्वायरी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे उन लोगों को। आए फेडरल पुलिस, मैं सीपी साहब को कंप्लेंट देना चाह रहा हूँ कल सुबह में। तो आपका कितने का सामान चोरी हुआ? मेरा नको वो तो 70-80 हजार का सामान चोरी गया मेरा। मैं आके कंप्लेंट देने आया तो इन लोगों रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं ले रहे, कैमरे भी नहीं चेक करे। वो हैसो वालों को मालूम करके वो बाजू वाले बोले मेरे को इन लोगों तुम्हारा सामान निकाले बोल के, उनको पकड़ के मैं ही पीएस को लेके आया। 2 दिन से मैं पागल की जैसा फिर रहा हूँ। आज मेरे को कंप्लेंट लो वो तो बुल्ला चूसने आए तुम, अरे तुरे बोल के बोल रहा हूँ, बुरा हंगामा कर मेरे गालियां दे दे के हाथ उठाने आया मेरे पे। तो क्या करना है पुलिस वाले, वो तो अपने को एक क्या है अपना रक्षा है, अपन क्या अपना फ्रेंडली पुलिस किसको बोले, सीपी साहब बोलते फ्रेंडली पुलिस बोलते, मरे फ्रेंडली पुलिस नहीं है, अरे तुरे मार रहे, माकेड़े गिन रहे, मुड्डा जी बुल्ला चूसने आया बोल के बोल रहे। पीएस है यार, सैदाबाद पीएस है ये, सैदाबाद पीएस में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, कौन भी एक्शन नहीं ले रहे। इधर पुलिस स्टेशन को आए तो बुल्ले चूसने के लिए आना पड़ता भाई, नको इधर सैदाबाद पीएस में नको, और बुल्ले चूसाते पुलिस वाले। गाली देने के बाद उन्होंने नीचे उतर के चले आ रहे थे, मैं रोका साहब आप गाली दे रहे आप कहाँ जा रहे, आप ठहरो बात करो वो तो उन्होंने गाली दे दिए बात करो, उन्होंने निकल के चले आ रहे। ये देखो मेरे पास वीडियो है, उनको प्रूफ है, मैं बताता हूँ। देखो ऐसा गाली दे के करके ऐसा गाड़ी ले के चले गए, उन्होंने पीएस में भी नहीं है, अब तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं लिया और क्या कि उल्टा वापस पर आता बोल के बोल रहे। तो अब इनका आज इनका भी सामान चलेगा, जिसका उन लोग कामा करते थे उनका भी सामान चलेगा, तो ये सामान खाली चलेते जाते जाएगा क्या? अब पीएस को आए तो क्या बोल रहे हैं, बुल्ला पकड़ने आए, वो पकड़ने आए, ये करते आए क्या बोल रहे इधर,
पुलिस वालों की यही बात है क्या? आप रिश्वत देने का कोई भी एक मजबूरी को आता आप ईएस में बात करने के वास्ते? और गालियां देने के बाद में भाग गया भाई, गालियां देके निकल गया। अगर उन्होंने गाली नहीं देता था तो कहीं को रुक के बात करता था। वीडियो बताओ, वीडियो बताओ। मैं, मेरा नाम विजय है, मैं शाहजहाबाद पीएस में आया था कंप्लेन देने के लिए। मेरा बैंड का सामान चोरी गया शंकेश्वर बाजार में। वहाँ से मैं 100 को कॉल डायल करने के बाद उन्होंने कंप्लेंट लेके पीएस को मेरे को ये करे, यहाँ बुलाया मेरे को। बुलाने के बाद मैं कंप्लेंट दिया यहाँ आके कल, वो आदमियों को पकड़ के लेके आते बोल के बोले, नहीं लेके आए, मैं ही खुद पकड़ के लेके आया। कल एक जने को लेके आया, 3 को लेके आया। आज सामान में आने के बाद वो मेरा सामान पूरा 49 मेंबर्स का गया। यहाँ लेके आया 4 का, वो भी लेके आके क्या बोल रहे, वो भी लेके आके क्या बोल रहे, ये आपका है बोल के क्या प्रूफ है? मैं बोला इसको निकालो, इसके नीचे मेरा प्रूफ रहता बता तो बोल के बोला। मेरे को पीएस में यहाँ गलीज गालियां दे रहे, बुल्ला चूस नहीं आया क्या इधर? वो ये बोल के अरे तू मार दिए इधर पीएस को, नहीं आना पीएस को, बुल्ला चूसने को आ देगा पूरे। कंप्लेंट देने आया तो यहाँ बुल्ला चूसने आया बोल के बोल दिया आपको? ये बात कौन बोले आपको? मेरे को यहाँ पीएस में बोले साहब, मेरे को पीएस आपके पास कुछ एविडेंस है? मेरे पास है, वीडियो है, वीडियो है। बोलने के बाद मैं वीडियो भेजाया, मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, मुकर रहा हूँ, तो उन्हें गाड़ी लेके चले गए। वालों को बुलाता हूँ, बोला तो भाग गया। गाड़ी पे बिठा के भिजा दिए हमारे को। फ्रेंडली पुलिस बोल रहे, कहाँ है फ्रेंडली?